पाइप में वेल्डिंग में हीट इनपुट, यानी पाइप इंडस्ट्रीज में जब हम काम करते हैं और वेल्डिंग करते हैं तो उसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हीट इनपुट, यानी करंट और वोल्टेज हीट इनपुट के हिसाब से सेट किया जाता है कि जो करंट और वोल्टेज से हम वेल्डिंग कर रहे हैं उसमें अगर हीट इनपुट एक लिमिट से ज्यादा जा रही है तो हमारा HZ जो होता है पेरेंट मेटल, वो वहां पे क्या होता है ज्यादा हीट होने के कारण डैमेज होता है। तो इसलिए हीट इनपुट भी कंट्रोल में रखी जाती है। जनरली हम क्या करते हैं, करंट वोल्टेज देखते रहते हैं, करंट वोल्टेज के साथ हमें हीट इनपुट भी देखना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अभी हीट इनपुट निकालने का फॉर्मूला है A फॉर एम्पियर, B वोल्टेज इंटू 7 सेकेंड, 1000 हमने ले लिया किसके लिए, इसको किलो जूल में करने के लिए, और S मतलब ट्रेवल स्पीड। अभी एक छोटा सा पैरामीटर उठा लेते हैं कि 850 करंट चला रहे हैं, एम्पियर चला रहे हैं, 34.2 वोल्टेज है, इंटू 60 फॉर्मूले में आता है। ये जो फॉर्मूला है ये स्पेशली पाइप इंडस्ट्रीज के लिए कि सीधे तरीके से हम निकाल पाए। उसके बाद 1000 इंटू 1600 क्या चीज है, ट्रेवल स्पीड, यानी 1600 mm एक मिनट में हम उस पाइप में वेल्डिंग कर रहे हैं। ट्रेवल स्पीड आगे 1600 mm एक मिनट में वेल्डिंग हो रहा है। जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो हीट इनपुट आ गया 1.1 किलो जूल, राइट। ये हमने DC का लिया। अब उसी पाइप में हम AC का ले लेते हैं, AC का करंट हमेशा कम होता है, 550 एम्पियर, 4.4 वोल्टेज, 6 फॉर्मूले में, 1000 और 1600 स्पीड, इसका आया 0.05 किलो जूल। अब यहां पे क्या होता है, जब हम WPS देखने जाते हैं तो WPS में क्या होता है कि हीट इनपुट इस कैलकुलेशन से, जैसे ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन से हमें WPS में ज्यादा लिखी होती है। वो ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि AC और DC दोनों वायर एक साथ चलते हैं, एक साथ वेल्डिंग करते हैं, तो जब हम वहां WPS में लिखते हैं तो दोनों को प्लस करके लिख देते हैं कि IDA और OD का ये हो गया। तो WPS में हमें जो हीट इनपुट लिखी होती है मतलब वो AC और DC के दोनों का प्लस करके वो लिखा होता है। ये हीट इनपुट निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। हमारे WPS में लीड 1 और लीड 2 भी लिखा रहता है, यानी वायर 1 और वायर 2। ओके, उसके बाद में AC और DC दो वायर यूज होते हैं। AC में जब दो वायर से कभी भी वेल्डिंग करेंगे तो एक वायर AC होगा, एक DC होगा। हमेशा DC का करंट ज्यादा होता है और AC का करंट बहुत कम होता है, क्योंकि AC जो होता है वो खाली फिलअप करने में काम आता है और DC होता है उसको पेनिट्रेट करता है। ओके, थैंक यू।